रोहतास के चेनारी से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें दो नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का प्रयास किया गया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कैमूर जिले के सोनहन की रहने वाली दो चचेरी बहनें एक ही बाइक पर अपने दोस्तों के साथ रोहतास जिला के चेनारी स्थित दुर्गावती जलाशय घूमने आई थीं। इसी बीच वहां पहले से मौजूद कुछ शरारती मनचलों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया और जंगल की तरफ ले जाकर दोनों युवतियों के साथ गैंगरेप का प्रयास किया। युवतियों द्वारा शोर मचाने के बाद थोड़ी दूर पर बादलगढ़ में स्थित सीआरपीएफ के कैंप से जवानों ने मौके पर पहुंचकर युवतियों को बचा लिया। वहीं एक युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। हमला का है, वो सब घूमने आई थी डैम पर। हाँ, लोग के साथे वैसी हो गया, ओकरा सब इधर उधर खींच के ले जाने लगा जंगल में। अच्छा, अब सब गलत काम का प्रयास करने लगा, उसमें हालात सब चिल्लाने लगी, तब पब्लिक लोग पकड़ लिया लोगों को, और दो चार के नाम है सस्पेक्ट में। फिलहाल पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए सासाराम भेज दिया है और फरार दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।